पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स वेन इट कम्स टू एडवर्ब. जब भी एग्जाम में उन्हें एरर पूछना होता है ना एडवर्ब से, तो वो खास करके एडवर्ब के कहाँ से एरर पूछते हैं, एक को एडवर्ब का पोजिशन से पूछते हैं कि एडवर्ब का पोजिशन, एडवर्ब का प्लेस कैसे कैसे होना चाहिए, और दूसरा और कहाँ से पूछते हैं, एक एडवर्ब और इन्वर्जन से पूछते हैं. एडवर्ब से इन्वर्जन का कैसे एरर आता है, मैंने आपको इन्वर्जन वर्ब में भी बताया है. ठीक है, इन्वर्जन वाला एरर एडवर्ब से पूछेंगे और एक पोजिशन वाला एडवर्ब से पूछेंगे. देखो वैसे तो बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन मेन जो एडवर्ब्स होते हैं चार हैं. ऐसे आपके बहुत सारे एडवर्ब्स, ओके, सो मेनी एडवर्ब्स है, बट चार एडवर्ब्स जो मैं यहाँ पे आपको एक बार बता दे रही हूँ, यहाँ पे स्पेस है, मैं लिख के बताती हूँ. ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं, बट चार एडवर्ब्स मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ. एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, यहाँ वो एडवर्ब जिसके पोजिशन से एरर आता है, वही वाला एडवर्ब हम डील कर रहे हैं. एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एक होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और एक होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर. व्हाट डज दिस एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस? एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि काम कब हुआ, व्हेन, कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया कब हुई. एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है कि काम कहाँ हुआ, वेयर, वेयर, ये क्या बताता है एडवर्ब ऑफ टाइम, कब हुआ, और प्लेस बताता है कहाँ हुआ, कहाँ. और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, कोई भी काम कितनी बार हुआ, हाउ मेनी टाइम्स, कोई भी काम कितनी बार हुआ. और एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब काम किस तरीके से हुआ, इन विच मैनर, ठीक है, किस तरीके से हुआ. ये सारे मेन एडवर्ब्स है, मेन एडवर्ब्स. तो फोर टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स यू हैव, बट ऐसा नहीं है कि इन फोर टाइप्स के अलावा हमारे बहुत सारे और भी एडवर्ब्स हैं, बट उसके पोजीशन से एरर नहीं आता. पोजीशन पहला देख लो, वो एडवर्ब जिसके पोजीशन से आपके एग्जाम में एरर आता है, हम वही करेंगे. एक है एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे मैंने लिखा, ये देखो, ही केम यस्टरडे, ही केम यस्टरडे, कल आया. ये केम क्या है, व्हाट इज केम, केम इज वर्ब, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं. जो जो ये यस्टरडे है, ये जो यस्टरडे है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि टाइम बता रहा है. फिर मैंने लिखा गो देर, गो क्या है, गो इज वर्ब, देर कहाँ जाओ, देर जाओ, तो ये देर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया. और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, कि कोई भी काम कितनी बार हुआ. मैंने लिखा ही ऑलवेज हेल्प्स मी, ठीक है, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वो अक्सर मेरी हेल्प करता है. कितनी बार हेल्प करता है, अक्सर. तो जैसे एवर, नेवर, शेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, रेयरली, जो बताता है काम कितनी बार हुआ. अब फिर मैंने लिखा ही वर्क्स हार्ड, वो कड़ी मेहनत करता है. किस तरीके से वर्क करता है, कड़ी मेहनत करता है. ही वर्क स्लोली, कैसे वर्क करता है, स्लोली वर्क करता है. तो ये सारे एडवर्ब्स है, ठीक है, मेन मेन एडवर्ब, जहाँ इसके पोजिशन से एरर आता है. अब चलो हम सेंटेंसेस पे चलते हैं. सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो पोजिशन ऑफ एडवर्ब से हम कर रहे हैं, अभी मैंने जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताया, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या क्या बताया मैंने, जैसे ऑलवेज, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जो बताता है कि काम कितनी बार हुआ. फिर है नेवर, ठीक है, वेरी रेयरली, वेरी स्कार्सली, ऑल दीज आर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो बताता है काम कितनी बार हुआ. शेल्डम, शायद ही कभी, ना के बराबर. तो वॉट यू हैव टू डू ना, कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक इसका पोजिशन हमेशा क्या होता है, वर्ब से पहले होता है. तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द एडवर्ब विच इज यूज्ड बिफोर अ वर्ब, वर्ब से पहले यूज होता है. देखो ही हेल्प्स मी नेवर, ही हेल्प्स मी नेवर गलत है. ही हेल्प्स मी नेवर कितनी बार आपकी हेल्प करता है, वो कभी नहीं आपकी हेल्प करता. तो नेवर इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जब भी आता है वर्ब से पहले, तो ये गलत है, वर्ब से पहले लगाइए. ही नेवर हेल्प्स मी, हेल्प्स वर्ब है ना, और फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले आता है. यस, नेक्स्ट, ही कम्स ऑफन टू माई हाउस, वो कितनी बार आपके घर आता है. सबसे पहले वॉट इज दिस ऑफन, ऑफन इज एन एडवर्ब, एंड हाउ डिड यू गेट टू नो कि दिस इज एन एडवर्ब, बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग वर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, सो दिस इज एन एडवर्ब. एंड विच टाइप ऑफ एडवर्ब, वो कितनी बार आपके घर आता है, वो अक्सर आपके घर आता है, सो दिस इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. एंड वॉट डिड यू लर्न प्रायर टू दिस, कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक ऐसा एडवर्ब होता है जो वर्ब से पहले आता है, तो ये गलत है. ही कम्स ऑफन नहीं होगा, ही ऑफन कम्स, ही ऑफन कम्स. सपोज अभी तो मैंने बोला कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब से पहले आता है, लेकिन अगर सेंटेंस में दो वर्ब आ गया, एक ऑक्सिलरी आ गया और दूसरा मेन आ गया, तो हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहाँ रखेंगे, दोनों के बीच में,
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को दोनों के बीच में रखेंगे, ठीक है? यस, व्हेन यू हैव टू वर्ब्स, एक ऑक्सिलरी आ गया और एक मेन आ गया, तो दोनों के बीच में रखना है. ओके, तो दिस वॉज अबाउट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी.